लगन जो कभी छूटेगी नहीं। ऐसा एक बार देव दर्शन हो जाए, मैं ये कहता हूँ कि तुम अपनी देह के अंतिम चरण तक देवता क्या वो करोगे, आने की वेट करोगे, निहारोगे उसको कि अब तो मिले ही मिले, आज दर्शन होंगे ही होंगे, तब वो ऐसे आने लग जाएगा। लेकिन बताना किसी को नहीं है। और कोई कहते ये पागल हो गया भक्ति करते करते, तो मुस्कुरा के मुंह मोड़ लो और चले जाओ। और घर वाले ही कहने लग जाए, सो घर वाले भी कह देते हैं उनको, पर कमाता दबाता कुछ नहीं, आज तो भगवान के पीछे बड़ा भाई, भारत तो दिन में आराम कर रखा है। क्यों और कह सके घर वाले, कह सके किसी कोई कोई तुम कह देगा रे भाई रह ले जा भाई, तू मन भैया के पास बोला देख रख क्या होगा, तू ना करके खावे कुछ भी तेरी जिंदगी जी। और किसी की शादी हो रही होगी तो यू कह भाई यो काय ने मारे गले पर ठा दिला के ये कैसे भी गल ले जाता, किसने काय छोड़ के जावे, फिर यू कहेगा नहीं गीता सब नौकरी करते हैं वहां बनने लगता फिर आगे। तो जप करना है केवल, आप जप के लिए आए हो जप ही करो, इसके अलावा निर्विचार रहने की पत्ति में कौन कौन आगे बढ़ा है ये मुझे बताइए, हाथ उठाइए जो निर्विचार रहने का रोज आना प्रयास करते हैं सवेरे उठ के, और क्या वो थोड़े थोड़े अपने काम में सफल हो पाए हैं ये मुझे बताइए। क्या उनको लगता है कि हम एक एक दो दो मिनट निर्विचार रह जाते हैं, बोलिए तो सारे काम यही करते करते या तो ये आकाशी झूठे खा है जो कहा भैया देखी जाएगी जो बात है कि नहीं, फिर कईयों से मैं जाप करा के देखता हूँ उनसे जाप ही नहीं होता है भाई नहीं ये भी बड़ी बात है, कईयों से जप करा के देखता हूँ तो वो जप ही नहीं कर पाते ठीक। और छह नंबर की तो मैंने विशेषता बता दी, वहां एसी चलता है वो लोग सोते सोए भाई क्या ऐसी चल रहा है ना तो सो जाओ क्या सो, लेकिन करो भी अगर किया नहीं सोते ही रह गए तो मैं खो दिया, और किया और सोए भी तब भी पा लिया है कि कुछ करना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आधा घंटा जाप करते हो दो घंटे सोते हो, आधा घंटा जाप करते हो फिर दो घंटे ये तुम्हारा ग्रुप है भाई तुम जानो, मुझे तो पता नहीं है। हाँ तुम ये बता दो 11 12 नंबर में क्या चल रहा है वहाँ, ठीक है कि नहीं साधक गण हैं जो महिलाओं वाली कुटीर में है 11 12 नंबर में पीछे 12 नंबर चल रही है 13 नंबर में 13 नंबर आप लोगों को 13 नंबर जब जहाँ महिलाएं पीछे बोलो अभी दो दिन तक लगातार यहीं पे बैठ के उन सब समस्याओं में उनका जाप करो, जिभ्या से पसीना बहादुर उसी से चला जाएगा, कितना महसूस होता है मुझे तो कुछ महसूस नहीं होता, भैया ने आपने मुझे लगाया कि उसके अंदर कुछ नहीं है, इन भैया ने बोला इतना है जो घर पे भी घूमता है उससे मतलब नहीं है, तुम्हें तो वहाँ जाप करना चाहिए लोगों का, तुम बैठोगे देव शक्ति आएगी, तुम उसका उदाहरण पाओगे देवता प्रसन्न होगा तुम्हारे से, आजकल तो मेरे से तो काम कर नहीं रहा तुम्हारे से ही काम कर रहा भी। मुझे था भैया से भैया के पास जाते हैं हम घूमने जाते तो ऐसे थर थर आते अंदर में घबराहट होती, किसी का जब करके देखा अभी तक नहीं भैया, आज ही दसवां दिन कल करके देखना एक ठीक है, वहाँ बैठ के देखना गति है फिर थरथराहट होती है तब बताना, और थरथराहट दो तरह की होती है, एक तो थरथराहट में दर्द नहीं है कहीं भी ठीक है, और ये थरथराहट आपको उसकी भी हो सकती है वाइब्रेशन भी हो सकती है, अभी आप वाइब्रेशन को थरथराहट अच्छा नाद किसको सुनाई देता है आवाज़ किसको सुनाई देती है, बहुत अच्छे ये नाद को ध्यान रखना, दाहिने कान से ही सुनना है बाएं कान से सुनना ही नहीं है, ये 24 घंटे में एक बार फटेगा फटेगा, और अगर आपने कान पे कपड़ा लपेट रखा है जैसे इन्होंने लपेट रखा है इन्होंने उन्होंने तो आपको ज़्यादा सुनाई देगा और उसे ठीक है कि नहीं है ठीक है, तो इस तरह से आपने नाद को भी साथ में सुनते रहना, एक टाइम में आके नाद जो है वो इतना मधुर हो जाएगा कि वो आपके मन को खींच ले जाएगा, केवल मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है पूरी सृष्टि की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एक ही साधना है, लास्ट में नाद आएगा और नाद अंत में ज्योति में समा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया था, वो सुनना ही बंद हो जाएगा, और निर्विचार एक एक दो दो मिनट रहोगे तो एक दिन निर्विचार समाधि लग जाएगी, और वो बहुत रोजाना अभ्यास से करत करत अभ्यास के जन्मति होता
सुझा रोज के अभ्यास से आप पार पाओगे ही पाओगे। रोज के नित के अभ्यास करने शुरू कर दो, उठ के चार पाई पे बैठ के ही वही ठीक है ना, मुँह हाथ धो के कर दो चालू और फिर देखो क्या होता है, फिर बदलाव आएगा ही आएगा। 1000 नाम याद करके कौन नाम जप करके सोता है बताना जरा, या सवेरे उठ के करता है? सवेरे निर्विचार रहने की कोशिश करो और रात को नाम ऐसे जप जप के सोया करो, आगे ना सवेरे निर्विचार, क्योंकि उठते हो प्रकृति मौन रहती है, उस टाइम आप निर्विचार रह सकते हो। और रात्रि में भगवान का नाम लेके ऐसे ओम शम कष्टो घनाशय नमः, ओम शम घोराय नमः, ओम शम पिशाचान मर्दे नमः, ओम शम कुर्दे नमः, ओम शम कष्टो घनाशय नमः, ओम शम सर्व दुख हरे नमः, ऐसे ऐसे ओम शम सर्व पाप मोचनाय नमः, ऐसे शाम को ऐसे करके सोना है रात्रि में, करते 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 है ना। इसको जितने नाम याद होंगे वो उतने ही, नाम याद कम हो तो भी रिपीटिशन में ना डाल देना, ऐसे कैसे बदलते रहना, तब आप देखोगे देव कृपा रात को होगी। एक एक मैं ये पूछता हूँ, कौन सोया हुआ था और अचानक उसको सोते सोते को अर्धनिद्रित हुआ, यानी कि आंख भी नहीं खोल पाया और वाइब्रेशन होने लगी और फिर कुछ महसूस होने लगा, ऐसा कौन है हमारे बीच में, हाथ उठाए जाए। बहुत अच्छा, ये देव कृपा है, ये बढ़ती जाएगी, एक टाइम में देवता दर्शन देगा आके और फिर ये और भी ज्यादा बढ़ेगा, और भी ज्यादा बढ़ेगा, और भी ज्यादा बढ़ेगा, अगर आपको हुआ था तो, और जो गलती से हाथ उठ गया तो बात हो नहीं है। कोई कोई इंजीनियर देखो भाई, कोई कोई इंजीनियर नाम का होता है बताने के लिए, डिग्री बहुतों के पास होती है, काम का कोई होता है नहीं, समझा है, समझ गए। बोला एक एसी का मिस्त्री हमें बोला भाई हमने गैस वैस डाल दी सब ठीक है बिल्कुल ओके है रिपोर्ट। मैं बोला भाई तूने इसमें इसके नंबर की कैसे डाली, बोला कैसी बात करते हो इतने साल हो गए। ये बात मुझे सरदार ने बताई थी, गुरु जी एसी कई प्रकार के होते हैं, इनमें अलग अलग नंबर की गैस डलती है ना, और उसने उस एसी का मलिया मेट कर दिया। आज भी एक दूसरा है मैकेनिक, उसने उसके नंबर की गैस डाली और वो आधे घंटे बाद एसी चलने लगा, अब वो कहे देखो गैस पूरी है आपका एसी खराब है, है कि नहीं, गैस उसने दूसरी भर दी, अब ये गैस के नंबर होने लगे एसी की, ठीक है। अब अगर एसी में दूसरे नंबर की गैस डाल दी तो वो चलेगी नहीं, आगे ना एसी भी चलेगा, गर्म हवा भी आएगी, ठंडा नहीं करेगा, लेकिन अगर उसी के नंबर की गैस डाली तो वो कुछ ही मिनटों में ठंडा कर देगा। इसलिए डिग्रियां बहुतों के पास है इंजीनियरिंग की, लेकिन काम कोई कोई करना जा, कोई कोई कॉपी में लिखने में माहिर है, कोई कोई उसको करके दिखाने में माहिर होता है। तो मैं तो चाहता हूँ मेरे यहाँ जितने भी लोग आते हैं करके दिखाने में माहिर हो, है ठीक है कि नहीं, कैसे बनोगे करके दिखाने में माहिर है वैसे करके। मैं तुम्हें प्रेरणा देने आता हूँ, जब तो मैंने तुम्हें सबको दिया हुआ, मैं तुम्हें सबको छूता भी हूँ, आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने मेरे दर्शन भी किए हैं सपने में, किस किसने किए आप दिखाई दे, ठीक है, ये सब दिव्य दर्शन है, ठीक है, किसी का कुछ निकला है, किसी का कुछ निकला है, किसी को कैसे रूप है, किसी को कैसे रूप है। आप यहाँ साधना कर रहे हो, गुरु इसी रूप में आते हैं, इसी रूप में शक्तिपात कराते हैं, आपको ना पता होता, आपको सपनों में ही आते रहेंगे और जब जब आएंगे तब तब आपकी बढ़त होगी, तब तब आपकी कोई ना कोई चीज़ निकल के पार जाएगी, तब तब आपको लाभ होगा ही। ये बताइए सपने में किसी को मंत्र दिया था उसको याद नहीं है, हाथ उठाए कि सपने में मैंने किसी को मंत्र दिया उसको याद नहीं है मंत्र क्या दिया, हाथ उठाए। हाँ अब अगला सपना लो नहीं सपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी ही होंगी, क्योंकि जो गुरु तत्व है वो आपके पीछे पीछे फिर रहा है, आपकी सेवा साधना में लगा हुआ है, जैसे आप उसकी सेवा साधना में लगे हुए। कोई कुछ पूछना चाहता है पूछ। अभी साधना से आने से पहले जब मैं घरी था तब आप आए थे, बुलाने गया था ना तेरे से, आधा साधना करने मैंने दे रहा था, मर्सिडीज से इको बैठाएगा तो नहीं अपने घर पर मर्सिडीज में बैठा। अभी भी कोई भाई साहब आए थे, वो कह रहे थे बोला जी एक महाराज जी चिड़िया वाला महाराज जी है, उसके पास लंबोगिनी ये वो 20 करोड़ की गाड़ियाँ है, मेरे को तुम इको में रखना चाहते हो। करौली वाला एक भी आदमी ठीक नहीं करता, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमता है, वो महात्मा तो मंदिर को वही को पुरानी थी नहीं थी तो बता दे
अभी मेरी इको भी नहीं ना हो बोले शनिदेव महाराज की। लो जी लो आ गया ना, फिर भी बोलो मेरे साथ साथ। ये बता तू 5 साल से बराबर इतना ही है ना, तेरा 10 किलो वजन घटता ना मेरे यहाँ पे मतलब दर्द हो रहा था बहुत तेज, तो मैंने जैसे ही मंत्र का जाप किया ना, तो एकदम से पहले तो मतलब दुर्गा माता दिखाई दी, फिर भैया दिखाई दिए, फिर एकदम से वे सारी माता और शनिदेव महाराज आ गए, और ऐसे करके मुझे झुंझोड़ दिया, मतलब मेरे शरीर का मतलब ऐसे बीच में से मतलब कर दिया, नीचे से नीचे से निकल गया, इतना पसीन आ गया पूरे शरीर में, और ऐसा लगा कुछ चीज़ निकल के चली गई। आपका तो पूरे दिन ठीक थी, आज थोड़ी सी मतलब सर गर्म हो गई, मैं एकदम से जाके नहा ली थी। ये तो चली गई बाहर बाथरूम
और मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ा, हमें हाथ पकड़ के सो गया उसका बुखार उतर गया। आ गया ना समझ में? ये आई सर मुझे फिर झंझोड़ा, इसको ले जाओगे अभी कहीं ले जाओगे कि नहीं? मैंने कहा इसको बुखार है। बोली हाँ। मैंने तो हाथ पकड़ देख तो सही, तो उसको बुखार है। उसने देखा बुखार ही नहीं, बेचारी के पास चुपचाप छोड़ी गई, बेचारी के पास चुपचाप छोड़ने के अलावा कोई काम था ही नहीं। तो भैया क्या करें, स्कूल में उनको बोलते हैं, स्कूल के लोग बोलते हैं ऐसा, तो पानी वानी देना बंद कर दो स्कूल के। बच्चा जिसे प्रार्थना हो रही है एकदम खड़े खड़े, चार पाँच साल का बच्चा लास्ट फर्स्ट का गिर गया, ताक से गिरा, तो मैंने तुरंत साफ पानी मंगाया उसको फूका। साफ पानी फूका नहीं, ऐसे सबके सामने फूका तो राधे कृष्ण बोल के फूको, राधे कृष्ण खत्म। भाई क्या बोले? नहीं मुँह से नहीं बोला था, मंत्र में फूका था। मुँह से ही बोलो ना फिर, मुँह से बोल दो जय श्री राधे कृष्ण, फिर कौन कहेगा? क्यों जी, है ना, राम 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 बोल दो, राम राम पर के फूंक दोगे। जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हो आप साधक हो, फिर उस मंत्र की शक्ति आप निहित कर लेते हो, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। मानो भैया के पास यही तो करिश्मा है, आप किसी भी मंत्र की शक्ति को संग्रहित कर सकते हो। देवता आपसे, कोई भी देवता आपसे प्राग्मन से प्रसन्न हो जाएगा। अगर आपने एक को ही प्रसन्न कर लिया, एक की स्तुतियाँ इतनी लिख ली, तो दूसरा अपने आप प्रसन्न हो जाए। तो मनी मन स्तुति किया करो, मनी मन ये लाभ दिया करो, ठीक है। और फिर रात को सोते समय नाम जपने, क्या जपने हैं? नाम, 1000 नाम है उसमें, 100 ही नाम याद कर लो, 1900 को गिनते रहो। सवेरे उठते ही निर्विचार होने का अभ्यास करना है, बाकी दो दो दिन के लिए आपके पास जप है। और अब न्यास भी मैं बता देता हूँ जो लोग कर रहे हैं, या खाना खा के 1 घंटा नाम में जितने लोग रुके हुए हैं उनमें से 3 से 4 बच्चियों की हाजिरी आती है, उनका नाम लेके उनके पास बैठ के बिना हाथ रखे आपने ऐसे जप करना है। आगे कौन कौन है ऐसी लड़कियां याद है? ऐसा एक छोटा बच्चा आया हुआ है जो पीड़ा में है, इतना लड़का याद है ना? तो कौन कौन जप कर रहे हैं बताइए, कितने लोग जप कर रहे हैं? इन लोगों ने सबने कहा उन्हीं 3-4 बच्चों का जप करना है जितनी लड़कियों की हाजिरी आनी है। एक गोल से मुंह की लड़की है मोटी सी, आगे ना जैसे ये भाई है नहीं सही बात, एक गोल लड़की है जो भागती है, ठीक है, उनको बिना बताए जब करो 1 घंटा, कल हम उसका फल देखते हैं, देखते हैं आपको क्या फल प्रदान किया है। एक छोटा बच्चा है और किसी की हाजिरी आती है तो उसको भी इसमें शामिल कर देना। 5 लोगों को शामिल करना, 10 तुम रहना और 2 घंटे जब करना, ठीक है, और फिर देखना। फिर सवेरे उठ के तैयार होके सबसे पहले उन्हीं का 2 घंटे जप करना जिनका रात को किया, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ उन पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, ठीक है। वहीं 20 लोग मिलकर उनके लिए प्रार्थना रखते थे और वो आदमी ठीक हो जाता। आप करोगे तो यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो आप उनसे भी बड़ी बाधाओं को ठीक कर पाते हो, ठीक है। ये काम करना, आगे आने वाले समय में हम बहुत जल्दी एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ पे आदमी आके 10 दिन रुक जाए और 10 दिन में वो अपनी जो है ना नेचुरोपैथी से, यानी कि केवल मंत्र जप से, यज्ञ से और हमारे हाथ लगाने से, तेल मर्दन करने से है कि नहीं, और यज्ञ की विभूति लगाने से शरीर पे यहाँ से ठीक होके जाना चाहिए, जिसमें सारे गठिया भाई वाले लोग होंगे और उनको हम पूरे हिंदुस्तान में ठीक करेंगे, ठीक है। आप सबको अपना पहले 1 से 2 साल साधना करनी है, तब उसमें पारंगत हो जाएंगे, तब आपको शनि धाम में काम भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा। जय शनि, बोले शनिदेव महाराज की। तो शनि धाम से अलग जाना चाहेंगे वो कर भी सकते हैं अपना काम, सबके लिए छूट है। यहाँ पर तो हम ठीक रहते हैं, हाँ मतलब दर्द वर्द में सकते हैं।